देखिए बेटे, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट हो चुका है। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताएंगे, बेसिक चीजें क्या है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी टाइप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुनिए, अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या है। जिसको आप एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटे दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड विल वेरी कंटिन्यूअसली, लगातार चेंज हो, बट डायरेक्शन विल चेंज पीरियोडिकली। डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो, ऐसे। इसको हम सिनुसोइडल वेव फंक्शन भी बोल देते हैं। इस फॉर्म में आता है एसी। इधर करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकती है, दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है। करंट की बात चल रही है, इधर ऑलवेज टाइम होगा। आप चेक कीजिए बेटे, जो करंट है लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऊपर जाने का मतलब एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम आई नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी मैक्सिमम है, बट ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, अपोजिट डायरेक्शन, इसमें नेगेटिव हो जाता है। आप देखो, लगातार वैल्यू इंक्रीज हुई, यहां पर मैक्सिमम, उसके बाद लगातार डिक्रीज हो रही है। ऐसा आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाए, एक जैसी वैल्यू हो। लगातार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड विल वेरी कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन विल चेंज पीरियोडिकली। डायरेक्शन चेंज फिक्स टाइम के बाद होगी। देखो ये रहा टाइम, ठीक है। एक साइकिल जब हम बोलते हैं, ये पूरी साइकिल होगी एक साइकिल। यहां से यहां तक का जो टाइम होता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको हम टाइम पीरियड का नाम बोलते हैं, ठीक है बेटे। ये टाइम पीरियड, ये जो पॉइंट है, ये हाफ पॉइंट, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड का नाम भी बोल देते हैं। ये जो टाइम है, ये ओरिजन, ये T/4, ये T/2, और ये 3T/4, और फिर अपने पास कितना हो गया, कंप्लीट T आ जाता है। तो एसी आपको मैंने बताई बेटे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन देख लो। अगर कहीं ऐसा सिंबल मिलता है तो वो सिंबल होता है किसका, एसी का। और जो आप पढ़ते हो डीसी वाला, तो डीसी वाला तो आपको पता है, ये सिंबल होता है बैटरी। ये सिंबल डीसी का है, बैटरी का, और ये सिंबल एसी का है। एसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहीं पर भी, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, या आप इसको लिख सकते हो आई बराबर आई नोट कोस ओमेगा टी। इसको हम लिखते हैं वी बराबर वी नोट। अगर करंट की फॉर्म में इक्वेशन है तो करंट की फॉर्म में दिखाएंगे, करंट की फॉर्म ये रही। और अगर वोल्टेज की फॉर्म में है तो वोल्टेज की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटे। तो ये करंट और ये वोल्टेज, दोनों इक्वेशन आपको बता दिए मैंने। होता है क्या अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी। एक साइकिल, ये एक साइकिल है, यहां से यहां तक एक साइकिल। इसका जो टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल के बनने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया के अंदर जो लाइट आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज। आपसे पूछा जाए कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट। वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। दोनों चीजें अलग अलग है। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई। तो आपका आंसर होना चाहिए सर 50।
फ्रीक्वेंसी का मतलब है 50, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और कितनी मिलेगी 50 साइकिल कंप्लीट होती है। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, यूएसए की अगर बात करें, तो वहां पर जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 नहीं होती, वो होती है 60 हर्ट्ज, वोल्टेज 220 नहीं होती, 110 वोल्ट होती है। तो वहां के जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। तो बेटे आपको बता दी, ये एसी है, टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट होने साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम, टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी की उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन आएगा, आप आगे चलोगे बेटे, अपने जो आईज है, आईज का पी रजिस्ट विजन होता है कि कोई भी फोटो है अपनी आंखों पे कब तक बनी रहती है, रेटिना पे इमेज, ठीक है, वो कब तक बनी रहेगी, तो वो टाइम होता है, किसी बच्चे को पता है, बताओगे मुझे बेटे? आई थिंक 1/16 सेकंड, 1 सेकंड का 16th पार्ट जो होता है उस टाइम तक वो फोटो वो इमेज अपने माइंड के पर रहती है, ठीक है। इसीलिए 50 हर्ट्ज का मतलब है एक बल्ब आपकी डायरेक्शन, देखो एक सेकंड में कितने, एक साइकिल में डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई, एक साइकिल यहां से यहां तक डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई बेटे, प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस कितनी बार चेंज हुई, 2 बार। और फ्रीक्वेंसी आपने बताई 50, तो ऐसे कितनी साइकिल बनी, 50, 50 का मतलब डायरेक्शन बदली कितनी बार, 100 बार, कितने टाइम में, एक सेकंड, ठीक है। तो आप जो बल्ब की ग्लो देखते हैं ना, आपको बल्ब ग्लो करता हुआ नजर आता है, इसका मतलब है वो उतने ही टाइम्स, 50 हर्ट्ज का मतलब 100 टाइम्स ग्लो हुआ, ऑन हुआ, और 100 टाइम्स ऑफ हुआ, बट अपनी जो नेकड आई है, नंगी आंखें जो है, ठीक है, वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है इतनी ज्यादा, क्योंकि अपने आईज का पी रजिस्ट विजन आपको मैंने बताया कितना होता है, 1/16 सेकंड, ठीक है बेटे। अब आगे चलता हूं मैं, रिप्रेजेंट बता दिया है, इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या क्या है, ये ओमेगा, इस ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, ठीक है। ये जो वैल्यू लिखी यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, इस वर्ड को यूज किया जाता है पीक वैल्यू, इस वर्ड को हम क्या यूज करते हैं, पीक वैल्यू, मैक्सिमम। और बेटे पूरे में जो दे दी गई है, जो आपको करंट गिवन होता है जब भी कभी, वो वैल्यू दी जाती है आरएमएस वैल्यू। आज आपको पढ़ाएंगे दो टाइप की वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। उसको पढ़ाने से पहले मैंने एसी स्टार्ट किया था, एसी का बता देता हूँ, एसी और डीसी में एडवांटेज डिसएडवांटेज। डीसी एक बार हल्का सा डीसी बताता हूँ, उसके बाद डीसी का कोई मेरा कंसेप्ट नहीं है, एसी एसी पढ़ाना है। डीसी सेम करंट वोल्टेज टाइम, बेटे ये जो लाइन लगाई आपको नजर आ रही है, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है बेटे, क्या बस बताओ, अरे बताओ, नहीं बताओगे बेटे, ये कांस्टेंट है, एज इट इज है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, सेम है, क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है, दोनों चीजें सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है इस वाले करंट। ये जो नीचे डायग्राम बनाया इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम होती है। तो अपने पास जो डीसी होती है वो दो टाइप की आती है, डीसी में कौन कौन होती है, एक स्टडी वैल्यू होती है, स्टडी डीसी, स्टडी का मतलब एक जैसी, और एक होती है वेरिएबल जो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, बट डीसी अगर होगी तो डायरेक्शन मिलेगी एक सेम, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो अपने पास डीसी क्या है बेटे, डीसी के अंदर डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता भी है और नहीं भी, दोनों डीसी जहां पर यूज करेंगे वहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी लिखोगे, 0।
डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो। एसी की अभी बताई कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। क्लियर है बेटे? डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो अब मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। बेटे थ्योरी है, याद करनी है, ठीक है? बाय द वे कभी कुछ पूछ लिया जाए, कोई बीच से क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में, तो देखिए एडवांटेज ऑफ एसी क्या है। बेटे पहली एडवांटेज होती है एसी की, एसी अपने पास इकोनॉमिकल है। किसके कंपैरिजन में? डीसी। एसी अपने पास इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिक का मतलब सस्ती होती है, ठीक है? क्योंकि जो प्रोडक्शन है एसी का वो आपका आसान है, प्रोडक्शन चीप है, सस्ता पड़ता है, इसलिए बोलते एसी आपकी इकोनॉमिकल होती है, सस्ती होती है। एसी जो होती है दे विल ट्रेवल ओवर द सरफेस, जैसे ये वायर है, कहाँ ट्रेवल करेगी? सरफेस के ऊपर, ऊपर से ट्रेवल करती है। तो क्या कहता है ये? कहता है अगर ऊपर से ट्रेवल करती है तो बेटे इसके अंदर अंदर जो मटेरियल डाल दें सॉलिड में वो सस्ता डाल दें, बेकार डाल दें, तो अपने चीप हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। अगर पूरे का पूरा मटेरियल एक ही चीज है, ठीक है, हाईली कॉस्ट होती है बेटे मटेरियल की, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन करते हैं, इस वजह से कहता है जो अंदर है अंदर वो मटेरियल हम लो कॉस्ट का डाल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो मटेरियल यूज करते हैं वो यूज करते हैं ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इस मटेरियल को यूज करते हैं हम। तो आप बताना कि एसी ट्रेवल ओवर द सरफेस, बस इतना बोल देना। अगला पॉइंट, एसी में पावर लॉस कम होता है, या आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इज इजिली, या वी कैन ट्रांसमिट द एसी इजिली ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बट डीसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पावर का जो लॉस होगा वो बहुत ज्यादा होता है, तो एसी का जो ट्रांसमिशन है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बड़ा आसानी से हो सकता है, इजीली हो सकता है, ट्रांसमिशन आसान है। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल, हम एसी को आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा अपने घर में क्या होता है और वो किसको किस में बदलता है? अपने घर में इन्वर्टर होता है बेटे, होता है कि नहीं? तनुज, अच्छा अनु बोल रहा था बेटे अपने घर में इन्वर्टर होता है, वो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, ये बताओ। शाबाश सर, डीसी को एसी में बदलता है। श्योर? यस सर, बिल्कुल सही है। एसी से डीसी सर? नहीं नहीं गलत है। अपने घर में जो इन्वर्टर होता है उसका काम है लाइट के जाने के बाद लाइट देना। लाइट अगर चली गई उसका मतलब है बेटे बैटरी जो घर में यूज कर रहे हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, और बैटरी में होती है डीसी, वो डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में, बिल्कुल सही। और जो एसी को डीसी में बदलता है उसका नाम होता है रेक्टिफायर, ठीक है भाई? एसी को जो डीसी में बदलता है दैट इज नोन एज रेक्टिफायर, और डीसी को जो एसी में बदलता है उसका नाम होता है, डीसी को एसी में बदलता है उसका नाम है इन्वर्टर। तो आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी बोल रही थी बीच में, बोल बेटे। नहीं नहीं सर, आई थिंक आपने अनम्यूट किया होगा, नाम आया था। इसके बाद बेटे एसी जो मशीन्स होती है, इसने लिखा एसी मशीन्स आर स्मॉल साइज हैविंग लॉन्गर लाइफ एंड इजी टू यूज। बेटे आपने देखा है कोई भी चीज आप एसी के लगाते हो वो चलती रहती है, आप भूल जाते हो, बट अगर अपने घर में इन्वर्टर लेके आते हैं, इन्वर्टर तो उसकी बैटरी है डीसी जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। तो ये कहता है जो मशीन है एसी की उनका साइज छोटा भी होता है और लाइफ जो है वो लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ। ये थी एडवांटेज, आपने पढ़ भी रखी होगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। पहली डिसएडवांटेज, जो आपकी एसी है वो ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस। एसी डेंजरस है किससे? डीसी से। कैसे?
अभी एडवांटेज मैंने बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें समझने में। आज पूरा जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगला जो मैं टॉपिक करवाऊंगा, फिर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा हाँ सर ने क्या बताया, क्योंकि अभी तक मैंने आरएमएस और पीक वैल्यू नहीं बताया। ठीक है, एक बार मैं आपको रफली बोलूंगा, उसके बाद जब पढ़ाऊंगा उसके जस्ट बाद दोबारा बता। देखो, अगर डीसी है तो बेटे उसकी जो वोल्टेज 220 वोल्ट है, एसी है और उसकी वोल्टेज भी कितनी मानी 220, बट जो हम ये डीसी में देखा तो एक लाइन बिल्कुल सीधी थी, पीक वैल्यू थी, बट ये पीक वैल्यू नहीं होती है, ये उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब इसकी पीक वैल्यू निकालूंगा मैं तो वो आएगी 220 रूट दो, सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे आई, तुक्का नहीं मारे। इसलिए मैंने कहा था इसका टॉपिक आने के बाद आप क्लियर समझोगे, अभी आप इतना समझो डीसी जो 220 वोल्ट है मैक्सिमम, एसी वही 311 वोल्ट होती है। तो बेटे क्लियर सी चीज है, खतरनाक कौन हुई, 311 वोल्ट खतरनाक हुई। तो आपकी क्या है, एसी डेंजरस होती है किसे, डीसी। और बेटे वैसे बोले ना तो डीसी खतरनाक होती है, क्योंकि डीसी अगर एक बार पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है, एसी छोड़ देती है। एसी अट्रैक्टिव है, बट फिर भी आपने देखा होगा जब कभी किसी को करंट लगता है तो लाइट, आप बताओ बेटे, उसको पकड़ के रखती है कि फेंक देती है, थ्रो करती है, शाबाश जल्दी बोलो सर, फेंक देती है, फेंकती है ना, वो फेंकती क्यों है, उसका फेंकने का कारण सुनिए, फेंकती क्यों है, ये एसी है, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, अगर डीसी लगी तो वो कहते हैं डीसी अगर लगी तो ये टोटल में पीक वैल्यू उतनी उसको यूज कर रहा है, 220 लग रही है, बट अगर एसी लगी तो देख बेटे ये वैल्यू इंक्रीज, और जब यहाँ पहुंचेगा तो वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। एसी में जब पॉजिटिव नेगेटिव में बदलती है तो एक ऐसा इंटरवल आता है, ऐसा टाइम आता है जहां पर जो वैल्यू है करंट की वो कितनी बन जाती है, जीरो बन जाती है, उस टाइम वो उसको थ्रो कर देती है, अदरवाइज थ्रो नहीं करेगी बेटे। तो अपना जो काम था वो बताएंगे, एसी खतरनाक है किससे, डीसी से। डिसएडवांटेज की बात चल रही है, डिसएडवांटेज होगी, दूसरी डिसएडवांटेज बेटे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एसी से चलते हैं, सॉरी डीसी से चलते हैं, डिसएडवांटेज जो केवल डीसी से चलते हैं, एसी से चल ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रोवर्ड जिसके आगे आता है, जैसे इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रो टाइपिंग है, कई इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको इलेक्ट्रो प्लेटिंग है, इलेक्ट्रो टाइपिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोवर्ड जिनके आगे आता है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो केवल और केवल किससे चलते हैं, केवल और केवल किससे चलते हैं बेटे, डीसी से चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एसी की डिसएडवांटेज। अब मैं आज का टॉपिक, पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूं, ये तो स्टोरी थी आपने पढ़ी अच्छे से, ठीक है, अब आगे चलते हैं। और भाई जो होमवर्क मेरे पास सेंड करते हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं रफ नोटबुक में उसको नोट ऐसे ही कर रहे हैं, और जैसे ही वीडियो खत्म होगी उसके 20 मिनट आधे घंटे एक घंटे बाद उसी की फोटो खींच के भेज देते हैं, नहीं, पहले आप वीडियो देखो अच्छे से, फिर उसके नोट्स बनाओ सुंदर नोट्स और फिर भेजो बेटे, किसी को देखना है कि नोट्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, जो बच्चे आप में से बहुत अच्छे काम करके भेज रहे हैं उनके मैं आपको फोटो भेज दूंगा बेटे। पहले टॉपिक का नाम है, पहले आर्टिकल का नाम है मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अच्छे से पढ़ना अच्छे से देखना क्या करो। इधर से चलते हैं, मीन वैल्यू बोलेगा या एवरेज वैल्यू बोलेगा किसकी बेटे, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, दो टॉपिक है, एक करवाएंगे दूसरा आप खुद करोगे, समझाएंगे हम कैसे करना है। मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू लिखने का तरीका क्या होता है, करंट की अगर बात करूंगा तो आई एवरेज से रिप्रेजेंट कर देगा, मीन आई एम से रिप्रेजेंट कर देता है मीन से, या
मीन ना लिख के इसके ऊपर ऐसे बार का एक डंडा लगा देता है, इसका मतलब भी एवरेज होती है, या ऐसे सिंबल यूज कर देता है दोनों, ठीक है। ये सिंबल भी किसका है, एवरेज का है। पैर में एम लिख देता है, वो भी सिंबल किसका है, मीन का। अब आपको पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है बेटे, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इज डिफाइंड एज। देखो, करंट बनता है जब चार्ज फ्लो, तो ये कहता है द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, मैं अल्टरनेटिंग नहीं बोला, द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द, जो क्या भेजता है, विच वुड सेंड द चार्ज, चार्ज का कोई अमाउंट स्टेडी करंट ने क्या किया, सेंड किया, इन ए गिवन टाइम, कोई भी टाइम था, इज सेम, उतना ही, इज सेम एज इज सेंट बाय द एसी। अल्टरनेटिंग करंट ने भी उतना ही चार्ज सेंड किया जितना डीसी ने सेंड किया, टाइम क्या है, सेम टाइम, ठीक है। अब साइकिल कौन सी है, पूरी साइकिल अगर आप देखते हो कि जो चार्ज सेंड किया वो हाफ साइकिल में या फुल साइकिल में, तो एसी ने कितने में सेंड किया, वो ओनली कौन सी लेना, हाफ साइकिल। अच्छे से सुनना भाई, कौन सी साइकिल लेना, हाफ। आपका अगला क्वेश्चन था सर पूरी क्यों नहीं ली, पूरी इसलिए नहीं लेते, कंप्लीट साइकिल इसलिए यूज नहीं करते, अगर हमने कंप्लीट साइकिल यूज की तो बेटे ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। अगर हमने कंप्लीट साइकिल यूज की तो बेटे टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही नीचे नेगेटिव आएगा। अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू सोल्व करेंगे, तो एवरेज वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, जीरो। इस वजह से हम एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो पूरी साइकिल की नहीं निकालेंगे, किसके निकालेंगे, हाफ साइकिल की यूज करते हैं। आपसे कहता है आगे पढ़ोगे, डीसी एमीटर हो चाहे डीसी वोल्टमीटर हो, ठीक है, वो यूज नहीं कर सकते एसी को मेजर करने के लिए, क्योंकि अगर उसमें पूरी साइकिल आएगी, कंप्लीट साइकिल अगर होगी तो कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कितनी बन जाती है, जीरो। आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप स्टेटमेंट दोबारा से सुनो। एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए गिवन टाइम इज इक्वल टू दी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच वुड सेंड किसने सेंड किया एसी इन हाफ साइकिल एसी जो हाफ साइकिल में सेंड करती है डीसी भी उतने ही टाइम में सेंड करेगा दोनों चीजें क्या होती है सेम तो चार्ज की बात करनी है अब डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं क्या कुछ आंसर आएगा देखिए पहली लाइन में लिखना क्या कि वी रिप्रेजेंट द करंट एच हमने करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड एज I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t क्योंकि मैं क्या करवा रहा हूँ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसकी करंट की इसलिए करंट उठा अगर मैं बोलता वोल्टेज की तो यहाँ पर I हटा के V रख देते खत्म बात और कुछ नहीं I की जगह हर जगह V रख देते और सारा सोल्यूशन सेम चलेगा देखिए The value of current represented by this. अब इसके बाद The amount of charge sent by AC. AC ने कितना अमाउंट चार्ज सेंड किया इन टाइम dt. अच्छे सुना इन टाइम dt. टाइम इंटरवल छोटा ले रहा हूं स्मॉल अगर टाइम स्मॉल है तो बेटे चार्ज भी स्मॉल ही ट्रांसफर किया होगा ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड बाई एसी इज देखिए करंट का फॉर्मूला होता है बेटे क्यू बाई टी करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी मैंने अभी आपसे कहा कैसा चार्ज स्मॉल चार्ज तो आप ये लिख सकते हो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी हमने बात करनी है चार्ज की हमने बात करनी है चार्ज की तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी ठीक है और इस इक्वेशन का नाम रख लेना फर्स्ट
क्योंकि दोबारा मैं यूज करूंगा। चलिए डी क्यू बराबर बेटे आई है कितना, ये रहा पुट कीजिए, सही समझ में आया। बस बेटे आपको एक लाइन याद करनी थी ये वाली कि चार्ज डी क्यू बाई डी टी होगा, चार्ज की वैल्यू ये आएगी और डी क्यू बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। अच्छे से देखो, एक आर्टिकल से चार आर्टिकल पूरे हो जाएंगे, एक आर्टिकल से चार आर्टिकल। ये चार्ज है स्मॉल, आपको चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए फॉर टोटल, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर टोटल, टोटल के लिए क्या करेंगे बेटे, फॉर टोटल चार्ज इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो भाई मैथ वाले बच्चे बैठे हैं, बताना बेटे एक बार मेरे को, मैंने लिमिट ली है, सॉरी मैंने इंटीग्रेशन करना है, तो बेटे मैं लिमिट यूज करूंगा, करूंगा ना, तो लिमिट किसके फॉर्म में यूज होगी, जो लिमिट आएगी वो किसकी फॉर्म में यूज होगी, टाइम की फॉर्म में होगी या नहीं, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, टाइम का, तो लिमिट किसकी आएगी, टाइम की, हाँ या ना, बताना बेटे एक बार। यस सर। अच्छा बेटे कितनी यूज करेंगे लिमिट, जीरो से, बोलो मैथ वाले, जीरो से टी, टी वेरी गुड, जीरो से बाय टू, बोलो शाबाश, बोलो दोबारा, बोलो अनूप, बोले जीरो से टी बाय टू बेटे, क्यों वाई सर, हाफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर अगर पूरा प्लस माइनस निकालेंगे तो जीरो आएगा। वेरी गुड शाबाश, क्योंकि एवरेज वैल्यू है, पूरी साइकिल की निकालेंगे तो जीरो आ जाएगी, हमें निकालनी है ओनली हाफ साइकिल की, तो बेटे इसको हम क्या रखेंगे, टी बाई टू। चलते हैं आगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, आई नोट एज इट इज, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी बोल दो, सही लिखा है ना मैथ वालों भाई, अरे आप मैथ पढ़ते हो बेटे, माइनस कोस ओमेगा टी आएगा या नहीं, कोई नहीं बोल रहा, अरे सही है या गलत है इतना तो बोल सकते हो, सही है सर, बेटे मैथ वाले बोलेंगे, आप मेडिकल से हो, हर्ष, हर्ष मोनिका मनीष कोई भी, अरे प्रेजेंट भी हो या नहीं बेटे, हर्ष मोनिका मनीष, अरे मैथ वाला कोई भी बच्चा, मुकुल, मुकुल बेटे ये सही है या गलत है, अरे मुकुल बोलो, निधि, अरे मैं पूछ रहा हूं इसका इंटीग्रेशन मैंने ये कर दिया, सही है या गलत है, हाँ या ना, अब सर सही है, है बेटे सही है, सही है, और कोई बच्चा, मनीष शर्मा, मनीष अनम्यूट कर, मनीष, अक्षय, मोनिका, अरे अनम्यूट करके बोलो, सही है सर, सही है, कोई डिवाइड में सर ओमेगा आएगा, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ सही है या गलत है, अब बोलो सही है, अरे साइन का सही है बट पूरा कहाँ हुआ है, अपोन में कौन आएगा, ओमेगा आएगा, कोस ओमेगा टी, तो साइन का कर दिया कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कौन बनेगा, ओमेगा, क्यू बराबर माइनस बाहर आई नोट बाई ओमेगा बाहर ले आया, अंदर देखिए कोस ओमेगा टी, अपर लिमिट पुट करो, ओमेगा को मैंने क्या होता है कितना, टू पाई बाई टी, इस टी की जगह पुट करो टी बाई टू, माइनस ये हो जाएगा कोस जीरो, देखिए आगे इस ओमेगा को चेंज कर दो, टू पाई बाई टी बना, इस टी से टी, टू से टू,
कोस 180 माइनस वन होता है और कोस 01 होता है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू और माइनस कैंसिल, वैल्यू आगे बेटे मेरे पास ये टू, टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आई नोट अपॉन में पाई इंटू में टी। क्या बेटे मैंने सही किया है? आप सब देख रहे हैं, अरे बोलो सही है, अभी क्यों घबरा रहे हो, वैल्यू सही है। इतना अगर समझ में आ गया, कौन कौन बच्चा देख रहे जल्दी से अपना थम इम्प्रेशन दो जी, जिसको समझ में आ गया। यहां से पता भी लगेगा प्रेजेंट हो या कहीं दूर चले गए हो। जैसे बच्चों ने चार पांच अभी भी सो रहे हैं काफी। मनीष को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हाँ थम इम्प्रेशन आया। अंकित, जन्नत, मुकुल, अनूप ये सब सो रहे हैं, भूवी, किसी का थम इम्प्रेशन नहीं। अब देने से क्या है? समझ नहीं आया सर। नहीं आया बेटे तो बोलो ना, ऐसे अनम्यूट करके बताओ कहाँ से, जल्दी बोल, शाबाश बोल बेटे। जन्नत कहाँ से बताऊं दोबारा? सर इधर से डी क्यू कॉन्फिगरेशन। माइक पास लाके बोलो बेटे थोड़ा तेज। इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन बेटे साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस, ये साइन का कोस कर दिया हमने, और को इंटीग्रेशन करते हैं एंगल जो होता है, एंगल का इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट ये रहा, और मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड में आता है, डिवाइड कर दिया, टी है, टी की पावर वन का डिफरेंशिएशन कर वो वन आएगा, ये ओमेगा। अब लिमिट जब मैंने लगाई, ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर उठा के रख गया मैं, पहले इस ओमेगा को मैंने लिखा टू पाई बाई टी, इस छोटे टी की जगह लिमिट पुट होगी टी बाई टू कर दी, माइनस कोस, इस टी को जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो बन गया, कोस जीरो वन होता है। अच्छा भाई इनकी वैल्यू पुट किए सोल्व कर। अब पूछो सर यहाँ बताओ आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आया, बोलोगे वो बताऊंगा बेटे मैं। तेरी 2 पाई बाय टी कहां से लिख दिया? थोड़ा तेज बोल बेटे। 2 पाई बाय टी कहां से लिख दिया? अच्छा अच्छा बेटे, जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू 2 पाई बाय टी होती है, पता है या नहीं? हाँ या ना, इसको भी बताऊं क्या? यस सर, आ गया सर। ओमेगा का नाम एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एक चक्कर पूरा करते हैं सर्कल में तो एंगल बनता है 2 पाई, और एक चक्कर पूरा करते हैं तो टाइम होता है टाइम पीरियड बड़ा टी। अब इसके आगे देखो क्या करना है। इसके बाद लिखना बी द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ये रही बेटे, ये डी क्यू एक स्मॉल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है जल्दी बोलो, कोई भी टाइम खत्म होने वाला है, तो टोटल चार्ज क्यू, करंट कौन सा करंट यूज कर रहे हैं ये रहा, नेट जो करंट बोलेंगे उसको आई एवरेज बोलेंगे, और बेटे टाइम कितना यूज किया जल्दी बोलिए भाई, टाइम कितना यूज किया मैंने, अरे टाइम आई एवरेज टी बाई टू, टी बाई टू, वेरी गुड। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन थर्ड का, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, यहाँ भी चार्ज है यहाँ भी चार्ज है, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड थर्ड को यूज करूंगा मैं, तो ये आगे बेटे आई एवरेज टी बाई टू बराबर आई नोट बाई पाई इंटू में टी, टी से टी कैंसिल, आई एवरेज की वैल्यू आगे टू आई नोट अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, अगर 22/7 यूज करते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी इसकी 0.637 आई नोट, तो ये फॉर्मूला याद करना है आपने, आई एवरेज की वैल्यू ये होती है 0.637 आई नोट, ये फॉर्मूला लर्न करना, ठीक है। वी का आर्टिकल खुद आपने करना है, जहां पर मैंने आई यूज किया आप वी यूज कर देना, ईएमएफ आ जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, लास्ट आंसर होगा वी एवरेज बराबर 0.637 वी।